फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स अब देखें दिलान और बरान की लाइफ में हैप्पीनेस है कितनी देर तक लास्ट लॉन्ग रहेंगी, क्योंकि फ्रेंड जो मेहरान है उसकी वजह से जो दिलान बहुत ज़्यादा स्केर्ड होगी कि दिलान मेहरान को लूज़ नहीं कर सकती। और फ्रेंड जो वाहिर और हसन मिल के जो है इवेंट प्लानिंग को जो है और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे और बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठेंगे जब तक जो है वो मेहरान को दिलान और बरान से छीन ना लें। और अब देखें फ्रेंड जो कुदरत है वो कब तक ये सब कुछ देखता रहेगा और हसन के बारे में बरान को नहीं बताएगा। तो देखें फ्रेंड अब हसन के बारे में सारा सच कौन जानता है और जो मेहरान को कारा भी फैमिली कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स इन लोगों के एनिमिज इन दोनों के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और ये उसको पहचान भी नहीं पा रहे। तो देखें फ्रेंड अब स्टोरी में क्या बिगेस्ट ट्विस्ट आएगा और बरान और दिलान का क्या बनता है और जो राइटर है वो क्या करेगा स्टोरी में। तो होपफुली फ्रेंड दिलान और बरान की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेहरान को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड दिलान और बरान दोनों ही मेहरान के बगैर नहीं रह सकते। तो देखिए फ्रेंड अब क्या बनता है स्टोरी में, बरान और दिलान के लाइफ में क्या बिगेस्ट चेंजेस आते हैं। होप करते हैं फ्रेंड सब कुछ ठीक हो जाएगा, बरान और दिलान की लाइफ में कोई भी ट्रबल नहीं आएगी। लेकिन अब देखें फ्रेंड जो राइटर है वो क्या करते हैं और क्या न्यू चेंजेस आते हैं इन दोनों के लाइफ में, बरान क्या करेगा और दिलान क्या करती है मेहरान को प्रोटेक्ट करने के लिए। जवाहिर जो है फ्रेंड्स अनस्टॉपेबल है और बरान इसको कभी भी विन नहीं करने देगा। और फ्रेंड जो है अब देखें फ्रेंड्स क्या बनता, बरान जो है अपने बेटे के लिए मेहरान को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन फ्रेंड बरान जो है तब तक उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा जब तक उसको हसन के बारे में नहीं पता चलेगा, क्योंकि हसन खुद अपनी फैमिली को बिट्रे कर रहा है और हमेशा हसन की वजह से ही बरान की सारी प्लानिंग फेल होती है। और देखें फ्रेंड तो कुदरत जो है कब तक यूँ ही अपनी आइज़ बंद करके सारा तमाशा देखता रहेगा और जिसकी वजह से जो है बरान और दिलान की लाइफ ही डेंजर में जाएगी और उन दोनों की हैप्पीनेस ही जो है स्पॉइल होगी। तो देखें फ्रेंड्स अब क्या बनता है और क्या न्यू चेंजेस आएंगे, राइटर को हसन को ऑलरेडी एक्सपोज कर देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।